hasta luego. Movie and rapping kilo. Snub nose with potato. हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आई थिंक न्यूयॉर्क वापस आने के बाद ही मेरा पहला व्लॉग है, विच इज़ एक्चुअली लाइक एक महीने के बाद. बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गई यार स्टडीज़ में, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाता. आई नो मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देती हूँ, बट देन क्या करूँ यार, ऐसे पार्ट टाइम की तरह ही आई एम जस्ट पर्सुइंग दिस. सो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो डाली थी वो सारी इंडिया वाली ट्रिप की थी, जिसमें हमने पूरा इंडिया ट्रिप में जो जो किया वो सब अभी डाला है मैंने पिछले एक महीने में. सो आज है 17th of June एंड यहाँ पे है लॉन्ग वीकेंड. तो हम आए हैं कोनी आइलैंड के पास न्यूयॉर्क एक्वेरियम देखने. आई हैव नेवर बीन हेयर, ये मेरा पहली बार है यहाँ पे. आई एम लाइक रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत सुंदर लग रहा था पिक्चर्स में. तो लॉन्ग वीकेंड है, कहीं ना कहीं तो घूमना होता है ना, घर नहीं बैठ सकते सारा टाइम, तो बस एक्सप्लोर करते हैं. एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ आई डोंट नो ये फैंसी ड्रेस टाइप हो रहा है, बहुत शोर भी है, मतलब मुझे पता नहीं कोई तो परेड हो रही है बट एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता. हाँ, पीपल आर लाइक रियली ड्रेस्ड अप. तो एक्वेरियम जो है वो 6 बजे तक खुला होता है एंड ऑलरेडी 4 बज चुके हैं. सो हम पहले फटाफट एक्वेरियम एक्सप्लोर करते हैं, फिर आई थिंक क्योंकि यहाँ पे बीच भी है तो बहुत क्विकली जस्ट ऐसा बीच पे भी होके आएंगे. एंड देन यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जहाँ पे वो परेड और वो फैंसी ड्रेस काइंड ऑफ थिंग हो रहा है. सो उसके बाद वो एक्सप्लोर करते हैं. सो एक्वेरियम की टिकट के लिए देयर इज अ क्यू एंड आई थिंक है आधा घंटा तो लग जाएगा क्यू में, है ना. नहीं इतनी बड़ी क्यू तो नहीं है बट लेट्स सी. हां सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है एक्वेरियम के लिए. 2 घंटे तो बहुत है यार, डिपेंड्स कि एक्वेरियम कितना बड़ा है. सो बस टिकट लेते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं. तो क्योंकि लाइन है थोड़ी लंबी एंड 15-20 मिनट लग सकते हैं, तो साइड पे ही छोटा सा एक फूड स्टॉल है जहाँ पे मैंगोज मिल रहे हैं. सो हम आए एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ हितेश एंड मनाली. सो हमने सोचा थोड़ा छोटे मोटे क्विक बाइक्स तो ले ही लेते हैं, राइट गाइस. हाँ And now my band Dora kahin nahi rukta, dekh lo. And now my band books are on the internet forever. एक्वेरियम की जो टिकट है वो है $32.95 की फॉर एन एडल्ट एंड फॉर अ चाइल्ड इट इज $27.95. राइट, बट मनाली कुछ कह रही थी. हाँ तो ठीक है ना, मैं कभी कभी किड्स वाले उसमें सेक्शन में से भी शॉपिंग कर लेती हूँ. क्या बोल रहे हो तो लेनी ही वाला था. क्या वन एडल्ट एंड वन चाइल्ड, अच्छी बात है ना, पैसा बचाती हूँ. और जितना अट्रैक्टिव उनका वो नेस्ट होता है मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ मेल. तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा ही नहीं था कि फिशेस में भी male fishes have to do a lot of things to attract the female.
अंदर वाला एक्वेरियम का सारा पार्ट हमारा कवर हो गया. अब हम बाहर आए हैं, आउटडोर भी पूरा ऐसा बना हुआ है एंड मौसम भी अच्छा है तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है बाहर तो, बट बहुत ज्यादा. ओ नाइस. तो यहाँ बाहर ऐसे पूरा आउटडोर एक्वेरियम बना हुआ है जहाँ पे पहली चीज हमें जो दिखी है दैट इज हार्बर सील. तो मेरे को ऑब्वियसली सारे ये जो सील है यहाँ पे उनके सारे क्रीचर्स हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, बट एक जो लिखा हुआ है विच इज हार्बर सील. अब इट्स लाइक हार्ड टू फिगर आउट कौन सी है इधर पानी में, बट हाँ इफ यू कैन सी देयर उनमें से एक वो स्विम या ऐसे फ्लोट कर रही है, वैसे पूरा राउंड काट के आ रही है. वहाँ दूर एक पीछे वो ब्लैक कलर की कोई है, ऑफकोर्स मुझे नाम नहीं पता है. बहुत सुंदर है यार, बट डिस्क्रिप्शन है. हाँ डिस्क्रिप्शन है बट वो पहचान ही नहीं जा रही ना यार, ज्यादा बड़ा है ये. संजित, हाउ डू यू लाइक इट? मतलब दिस इज तो सुरियल यार, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ये. मतलब दिस इज रियली अ गुड एक्सपीरियंस. जो भी न्यू हो उसको वो तो ऐसे काम को देख के लगता है कि उनका थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी होगा. ऑफ कोर्स दे आर टू लाइक फियर्स. और एक्चुअली ये छोटी है, ये छोटी है. जो बड़ी वाली शार्क है छोटी मछलियां नहीं खा रही है. हितेश से पूछते हैं. हितेश, सो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. वैसे तो ये शार्क बहुत छोटी वाली है, बट संचित का क्वेश्चन ये है कि हाउ डू दे इंश्योर, या ऐसा कैसे होता है कि जो शार्क होती है, शार्क्स होती हैं, वो छोटी वाली फिशेस को नहीं खाती? कैमरा? ऑफ कोर्स. यू कैन डिग योर नोज इन द कैमरा मैन. ये मुश्किल क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमें नहीं पढ़ाया गया. मैं चलो तो कैमरा. या सो अट्रैक्टेड शार्क्स दे ईट क्रैब्स. And we didn't see any crabs there. I think all of those sharks are flat-tailed sharks. Oh, of course, वो उसी हिसाब से करके रखेंगे ना. So this fact says that like us, sharks can see, hear, taste, smell, and feel touch. But they also have a sixth sense. Oh my God, this was scary. मतलब मैं ऐसे करते करते एकदम ऐसे हो गई, डरी गई. रेजर जैसे वो भी बने हुए हैं, इतने शार्प होते हैं. Wait a minute. Who are you? फैंसी बन रही है, उसमें भी शार्क एंड रे स्किन यूज होती है.
तो शार्क को मार के लोग क्या करते हैं, खाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता ही नहीं है। कहाँ जा रहे हो? एक्वेरियम। आपको फिश इतनी पसंद आ गई है? मैंने बोला था ना मैं मर्मेड हूँ जो क्रॉल करके जाती है। तो क्रॉल कर करके जाना और ऐसे पूरा देखना इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक्वेरियम से आई मोर मर्मेड। हम आज ही बात कर रहे थे कि थोड़े टाइम में हमारे गोडे जवाब दे जाएंगे एंड वो आज हुआ। हाय मेरे गोडे। छोटा सा है तो इतना ज्यादा फील नहीं कर सकते। या तो बंदा अपने आप को संभाल सकता है क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है, या बाहर देख सकता है। तो द बेस्ट पार्ट इज वो एकदम नीचे भी देख पा रहे थे जो अभी तक हमने देखा नहीं था पूरा। सो वो ब्यूटीफुल था। यस यार, लाइफ एंड वाटर इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। सो आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, आई थिंक पीपल कैन सी। बट हाँ, अभी तक हम आसपास ऊपर नीचे देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे, नीचे भी देखा, ग्लास था पूरा, तो वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक्वेरियम से हम बाहर आ गए क्योंकि 6 बज गए थे एंड बंद हो रहा था वो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मिस कर दी। पता नहीं था इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, बट अब हम वहाँ से बाहर आके निकले हैं बीच की तरफ। एंड ऑब्वियसली खाना वाना खाया नहीं था तो फटाफट खाना खाते हैं। तो मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई बिल्कुल डेड, तो माइक की प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। आई एम नॉट एबल टू प्लग दैट इन। बट हाँ, हमारे पीछे है बीच। I just caught a shorty off a fence stop. Just the one I'm really a screen shot. Way that I've been living, nothing fancy, no. I'm just trying to make it to the end, you know. Certain things have started getting pissed off. Think we need to have a sun and fence up. I could be a man, but maybe down the road. Right now, I would rather see my heart turn to bone. Rather see my heart turn crystal. Inside a crib on my own. Soon as I free up, I'm about to pop up on your phone. Like I'm outside in an AMG, right outside.